लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये डॉक्टर्स भी ना कमाल करते हैं, पेशेंट्स के ठीक होने के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं देते, और खास करके अभी जैसे पेशेंट को तो वो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे इंसान को हर कोई पसंद करता है। क्या मैं चाहता था कि तुम मेरे घर से चली जाओ? तुम्हारे बिलाल के रहते घर कितना हरा भरा लगता था, हर जगह खुशियां खुशियां झलकती थी। उसी तरह हो सकता है डॉक्टर को भी तुम्हारा यार अच्छा लगता हो, तो फिर वो तुम्हें छुट्टी क्यों देगा? छोड़िए, आपको तो बस मेरी तारीफ करने का एक मौका मिलना चाहिए। मुझे तुम्हें इंप्रेस तो करना नहीं है, तो फिर मैं झूठ क्यों कहूंगा? अभी मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करता हूँ क्योंकि तुम उसके काबिल हो। तुम जल्दी ठीक हो जाओ अभी और घर चले आओ। अना तो मैं भी चाहती हूँ, पर तो पता नहीं क्यों डॉक्टर घर जाने से मना कर रहे हैं, और फिर ये पुलिस वाले भी मुझे घर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी दुआ है कि तुम जल्दी घर आ जाओ। तुम यहाँ अस्पताल में अच्छी नहीं लगती हो। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं जिंदा हूँ। आपको तो खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। तुम उन बातों को भूल जाओ अभी, क्योंकि उन बातों को तुम याद करती रहोगी तो तुम्हारी सेहत पर असर होगा। अच्छा तो मैं चलता हूं, और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर देना। ओके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। यस मैडम। इन्हें जल्दी डॉक्टर शाह के पास लेके जाइए। आप रुकिए, मैं आपके लिए व्हीलचेयर लेकर आता हूं। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ले चलो। We'll be right back.
वो बाहर तो नहीं गया? नहीं सर। एक काम करो, पहरा और सख्त कर दो और सबको होशियार रहने को कह दो। ठीक है सर। वो बच के नहीं जाना चाहिए, उसे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना है। ओके सर। ठीक है, जाओ। चलो। हेलो, अपुन शेर खान बोल रहा है। इधर हॉस्पिटल में बहुत डेंजर है, अपन इधर फंस गए। अपन को इधर से निकालने का इंतजाम करो जल्दी। तुम क्या बोल रहे हो शेर खान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है शेर खान। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो। तुमको अपुन का आवाज सुनाई नहीं दे रहा ना, तो अपुन के पास एक आइडिया है। अपुन अपना आवाज पुलिस को सामने सुना देता है। फिर तुम जिंदगी भर पुलिस के सामने अपनी आवाज सुनाते रहना। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी शेर खान की डिक्शनरी में नहीं है। टाइम बहुत कम है, इसलिए कम बोला, लेकिन समझना ज्यादा। मेरे बचने का रास्ता निकालो जल्दी। तुमने यहां से किसी को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं। Sure? Sure. Sir, वो, कहीं नहीं मिला, पता नहीं वो कहां चला गया। अरे ध्यान से ढूंढो, यही कहीं होगा। इतना सख्त पहरा जाएगा कहां और कैसे? जाओ। वो कातिल अंदर है, मैंने बंद कर दिया है। आप हटिए, हम देखते हैं। तुमको ज्यादा शांत पत्ती नहीं मांगता है, किसी ने भी पीछा करने की कोशिश की ना, खोपड़ी उड़ा डालूंगा इसकी। चल। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। इतना सब पहरा रहते हुए कातिल हॉस्पिटल में आ गया और मुझे मारने की कोशिश भी की, फिर आप लोगों के रहने का क्या फायदा? मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगा। ये आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कोशिश मैं कुछ देर पहले देख चुकी हूँ।
इसके पहले कि वो फिर आ जाए और मुझे दोबारा मारने की कोशिश करे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैडम हमें थोड़ा और वक्त दीजिए। वक्त और मौका दोनों आपको मिल चुका है और आप गवा चुके हैं। कातिल आपके सामने भाग गया और आप देखते रह गए, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैडम यहाँ से बाहर जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैं यहाँ भी महफूज नहीं हूँ, वो यहाँ मुझे मार सकता है। मैडम अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैडम आप यहाँ से जाने की जिद मत कीजिए, क्योंकि आपके जख्म अभी तक पूरी तरह भरे नहीं है और मैं आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चीख क्यों रहा है? सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। आप बहरा नहीं है अपुन जानता है, लेकिन ये अपुन की लाइफ का सवाल है। तो मुसीबत तुम्हारे लिए खड़ी कर दी अपनी बेवकूफी की वजह से। बेवकूफी तो अपुन ने किया जो आप लोगों के कहने पे अबीर को मारने के लिए गया, इतना खतरा होने पर भी उसके घर गया, अपनी जान जोखिम में डाली। कोई नई बात नहीं, पेशा तुम्हारा रोज का काम है, पहली बार कर रहे हो क्या? ये काम अपुन ने पहली बार नहीं किया, लेकिन पुलिस के जाल में फंसा पहली बार। और जब मदद मांगने जूबी मैडम के पास गया तो ये खुद को अलग करके बात करने लगी। लेकिन आप लोग ये मत भूलना, मैंने ये काम आप लोगों के कहने पे किया है। क्या किया है तूने? हाँ क्या किया है? लीड करके आ गया वहां पे, मारने गया था उसे, बच गई है वो। अरे बाबा आपने जिंदगी में कभी एक मच्छर तो मारा है नहीं, जरा चार दीवारी के बाहर निकल कर देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। बंद करो अपनी ये बदतमीजी। जानते हो तुम, जानते हो किससे बात कर रहे हो? बाबा है ये। जब तुम्हारी एक रुपए की औकात नहीं थी और दर दर पे ठोकरे खा रहे थे तुम, तब इस आदमी ने तुम्हें सहारा दिया था और आज तुम इसके खिलाफ बोल रहे हो? Just get out of here. Out! मैं सोच रहा हूँ शेर खान की असलियत पुलिस को बता देनी चाहिए। मुझे भी यही लगता पापा, ज़बान बहुत लंबी हो गई है इस आदमी की। इसके इरादे हमारे लिए ठीक नहीं लगते, एनकाउंटर में मारा जाएगा, मुसीबत खत्म हो जाएगी। हाँ बाबा कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे। लेकिन स्पीच अगर सबको बेवकूफी और की तो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ।